क्या आपने किसी पक्षी को प्रकृति की सभी प्रकार की आवाजों की नकल करते हुए देखा या सुना है? क्या आपने परमात्मा के द्वारा निर्मित ऑडियो रिकॉर्डर देखा है? आप सोच रहे होंगे कि क्या मूर्खतापूर्ण बातें हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा ही पक्षी पाया जाता है जो कि नेचर में प्रत्येक प्रकार की ध्वनि की नकल कर सकता है। इस पक्षी को लायर बर्ड कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि लायर बर्ड मनुष्य की आवाज़ की मिमिक्री भी कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी लायर बर्ड को उसके बड़े बड़े सुंदर पंखों से आसानी से पहचाना जा सकता है। यह पक्षी अपने साथी को आकर्षित करने के लिए अपने पंखों को मोर की तरह खोलकर बहुत सुंदर डांस करता है। लेकिन ये इसका रूप या केवल इसका डांस ही नहीं है जिसके कारण इसको पहचान मिली है। दरअसल लायर बर्ड का टैलेंट दुनिया में लगभग किसी भी ध्वनि की नकल करने की क्षमता में रहता है। नर लायर बर्ड की तुलना मानव बीट बॉक्स कलाकार से की जा सकती है। बीट बॉक्स कलाकार उस कलाकार को बोलते हैं जो अपने गले से भी प्रकार की ध्वनि की नकल उतार सकता है। जब वह मंच पर आता है तो नर पक्षी अपने अद्भुत पंखों को खोल देता है और गीत शुरू कर देता है। यह कितनी प्रकार की ध्वनियाँ निकालता है इसकी कोई सीमा नहीं है, जैसे कि कार का अलार्म, शटर, दरवाज़ा खुलने या बंद होने की आवाज़, कैमरा, अन्य पक्षियों की और मनुष्यों की आवाज़ें भी यह पक्षी निकाल सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब इसका मेटिंग सीजन होता है तब यह मिट्टी का एक ऊंचा सा टीला बना लेता है और उसके ऊपर चढ़कर जब यह गीत गाता है तो मादा पक्षी नज़दीक आती है। उसके नृत्य को देखकर, डांस को देखकर और उसकी आवाज़ को सुनकर, लेकिन यदि वह दूर जाती है और उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती तो यह पक्षी भयानक पक्षियों की आवाज़ें भी निकालने लगता है। दरअसल ये खूबसूरत आवाज़ नकल करने का हुनर केवल नर पक्षी में ही होता है। मादा पक्षी समझ नहीं पाती कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है और वो नर पक्षी मादा पक्षी को ऐसी भयंकर आवाज़ निकालकर डराता है कि मानो कोई भयानक पक्षी पास भी है। इसी कारण से फिर वो डरकर दूर नहीं जाती। लायर बर्ड के बारे में अधिक जानकारी के लिए ऊपर दिए गए लिंक में वीडियो को देखिए।